तो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर क्लियर है सबको? ड्रग इंस्पेक्टर अगर क्लियर नहीं है मैं दोबारा से बता देती हूँ। ड्रग इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। किस चीज़ के लिए? इंस्पेक्शन के लिए। इंस्पेक्शन किस चीज़ का करता है? वो जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, ड्रग्स हो गई या कॉस्मेटिक हो गई, वो देखते हैं कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सही तरीके से हो रही है या नहीं, पैकेजिंग वगैरह सही से हुई है नहीं, ठीक है, या जिनका जिन ड्रग्स का हमें इम्पोर्ट करना है वो इम्पोर्ट करने लायक है या नहीं, एक्सपोर्ट करने लायक है नहीं, ठीक है। ये चीज़ कौन देखता है? ड्रग इंस्पेक्टर देखता है। रिकॉर्ड्स वगैरह जो ड्रग से रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, वो चेक कौन करता है? हमारा ड्रग इंस्पेक्टर चेक करता है, ठीक है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, फार्माकोलॉजी में, कोग्नोसी में, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है इसकी? ग्रेजुएट प्लस उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके वो क्या कर सकता है? ड्रग इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भर सकता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, यस मैम, ठीक, यस मैम। आज नया चैप्टर है आपका, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो था, ठीक है। और इसमें से जरूर आता है 20 नंबर का। लेबलिंग तो कराया नहीं आपने? लेबलिंग, लेबलिंग देखती हूँ, रुको एक बार। लेबलिंग वगैरह मुझे लगता है शायद स्टार्टिंग में ही करा दिया था मैंने आपको कि लेबलिंग इस तरीके से होनी, अगर नहीं कराया तो करा दूंगी। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि लेबलिंग के तरीके ये होते हैं, अगर नहीं हुए हैं ना बच्चे तो मैं करा दूंगी, ठीक है। एक लेक्चर की क्लास है, ये करा दूंगी मैं, शायद मुझे लगता है मैंने करा दिया था ये। अभी आज आप नया चैप्टर स्टार्ट कर लो, आज है फार्मेसी एक्ट यूनिट 3 है, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट यूनिट 3, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट में क्या होता है, ठीक है, हमारी फार्मेसी एक्ट बताया मैडम। हाँ जी, यूनिट 3 फार्मेसी एक्ट, सिलेबस में चेक करो एक बार, फार्मेसी एक्ट, फार्मेसी एक्ट चेक कर लिया जी, ठीक है। अब फार्मेसी एक्ट में क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं, हमारी इंडिया में फार्मेसी एक्ट आने से पहले क्या होता था? मेडिसिन बन रही हैं, ठीक है, कोई भी बंदा है जिसको इंटरेस्ट है मेडिसिन बनाने का या आयुर्वेदिक दवाई बनाने का, वो क्या कर रहा है? मेडिसिन बना रहा है, उनको डिस्पेंस कर रहा है, फॉर्मुलेशन कर रहा है उनकी, उनको सेल कर रहा है, ठीक है। कोई लॉज वगैरह नहीं थे, तो फार्मेसी एक्ट किस लिए आया था? जो हमारे इंडिया में फार्मेसी की प्रैक्टिस चली आ रही है, पता नहीं कब से चली आ रही है ये, ठीक है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए फार्मेसी एक्ट इसलिए आया कि फार्मेसी का जो प्रोफेशन है इसको कौन चला सके? जो फार्मासिस्ट हो, ठीक है, जिसने इसकी पढ़ाई की हो, कि कोई भी बंदा ऐसे फार्मेसी को नहीं चला सकता, कि रेगुलेट नहीं कर सकता इसको। तो फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव मेन क्या था? कि फार्मेसी को वही बंदा चलाएगा जो पढ़ा लिखा हो, जो फार्मेसी में उसने डिग्री की हो, डिप्लोमा किया हो। फर्स्ट पॉइंट तो ये था। सेकंड पॉइंट ये था, फार्मेसी के प्रोफेशन को आगे बढ़ाना, ठीक, एजुकेशन रेगुलेशन बढ़ाना इसकी, फार्मेसी की, फार्मेसी को आगे तक बढ़ाना कि फार्मेसी में ये कोर्स भी लाएंगे हम, ऐसे हो सकता है अगर किसी को डिस्पेंसिंग का कमी इंटरेस्ट है तो डिस्पेंसिंग के लिए फार्मेसी में उसे ये कोर्स करना पड़ेगा, अगर किसी को फार्मुलेशन का इंटरेस्ट है तो फार्मुलेशन के लिए उसको डिग्री करनी पड़ेगी। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही था फार्मेसी एक्ट का, कि फार्मेसी एक्ट को सही और प्रॉपर तरीके से, लीगली तरीके से रेगुलेट कर सके, ठीक।
तो फार्मेसी एक्ट कब आया था इंडिया में? 1948 में आया था, लिख लेना इसके बराबर में, ठीक है? फार्मेसी एक्ट ब्रैकेट में लिख लेना 1948, ठीक है? क्यों आया था? रेगुलेट करने के लिए, फार्मेसी के प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए। और जो डिस्पेंसिंग हो रही है, कंपाउंडिंग हो रही है, लेबलिंग हो रही है, वो फार्मेसी का ही कोई बंदा हो वो करे। ये नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा नथु कैरा उठाए दवाई को और बेच दे, फिर उसको साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं पता होंगे ड्रग के, यूसेज वो ढंग से नहीं पता होंगे, तो क्या होगा? पेशेंट हमारा बीमार, पेशेंट बीमार ही होगा और हमारे प्रोफेशन को ही गाली देंगे कि ये ऐसे किया है, ठीक है? तो इसमें लिखो फार्मेसी एक्ट की, सबसे पहले आप लिख लो डेफिनेशन, लिख लो फार्मेसी एक्ट की डेफिनेशन कब आया था, ध्यान रखना 1948 में आया था। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। और इसके रूल्स कब आए थे? रूल्स 1945, ये ध्यान रखना, ठीक है? अगर क्वेश्चन आ रहा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में लिखो, तो जैसे आपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लिख दिया तो उसके बराबर में आपको 1940 भी लिखना पड़ेगा। अगर रूल्स के लिए कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो 1945 ये ब्रैकेट में आप मेंशन करना एग्जाम में, ठीक है? अब है डेफिनेशन लिखो फार्मेसी एक्ट की, एन एक्ट टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। एन एक्ट, कोई ऐसा एक्ट जो रेगुलेट कर रहा है फार्मेसी के प्रोफेशन को। एन एक्ट टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी कॉमा द फार्मेसी एक्ट 1948, द फार्मेसी एक्ट 1948 was passed PASSED was passed ठीक है। कौन रेगुलेट करेगा फार्मेसी के प्रोफेशन को? जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा। और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कौन कहलाता है? जिसका नाम स्टेट फार्मेसी काउंसिल या सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल के रजिस्टर में एंटाइटल्ड हो, मतलब लिखा हुआ हो, ठीक है? वही कहलाता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आपके सीनियर्स के पेपर हो चुके हैं, वो ये नहीं कहलाएंगे कि अभी हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, वो 3 मंथ्स के इंटर्नशिप करेंगे। इंटर्नशिप के बाद वहाँ पर जो अपने लेटर्स हैं वो सबमिट करेंगे, तब क्या होगा, उनका नाम जो होगा रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्टर होता है उसमें लिखा जाएगा, तब वो कहलाएंगे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है? तो फार्मेसी के प्रोफेशन को कौन रेगुलेट कर रहा है? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है? डिप्लोमा। अब इसके ऑब्जेक्टिव लिखो, फार्मेसी एक्ट के ऑब्जेक्टिव, फार्मेसी एक्ट के ऑब्जेक्टिव। किस लिए आया था ये फार्मेसी एक्ट? किस लिए आया था? फार्मेसी के प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, द एक्ट हैज केम इनटू फोर्स। ये एक्ट इसलिए आया, केम इनटू फोर्स टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, टू रेगुलेट द प्रोफेशन। प्रोफेशन की स्पेलिंग क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो मैसेज में टाइप कर रही हूँ, प्रोफेशन PROFESSION, प्रोफेशन, ठीक है? चेक करो एक बार, टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लिखो इसका, नोट डाउन करो, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, प्रोफेशन ऑफ
फार्मेसी, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लिखो, टू रेगुलेट द फार्मेसी एजुकेशन, टू रेगुलेट द फार्मेसी एजुकेशन इन द कंट्री, टू रेगुलेट द फार्मेसी एजुकेशन, फार्मेसी के एजुकेशन को रेगुलेट करना अपनी कंट्री में, ठीक है। अगर वो रेगुलेट होगा तभी तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनेंगे, नहीं तो कोई भी बंदा खुद को कह देगा कि मैं फार्मासिस्ट हूँ, लेकिन लीगली बंदा वही कहलाएगा जो रजिस्टर्ड हो। टू रेगुलेट द फार्मेसी एजुकेशन इन द कंट्री, टू रेगुलेट द फार्मेसी एजुकेशन इन द कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट, एज ए फार्मासिस्ट, एज ए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट, अंडर द फार्मेसी एक्ट, फार्मेसी एक्ट, अंडर द फार्मेसी एक्ट। देखो फार्मेसी एक्ट में क्या आता है, आपकी एजुकेशन सिस्टम जो है फार्मेसी का, उससे रिलेटेड जो सारी की सारी चीज़ें होंगी आपकी किस में आएंगी, फार्मेसी एक्ट में आएंगी। तभी हम बोलते हैं हमने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा हमें उस कॉलेज से करना चाहिए जो PCI से अप्रूव्ड हो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया किसने बनाया है, फार्मेसी एक्ट ने बनाया है, ठीक है। जो एजुकेशन रेगुलेशन हो रहा है फार्मेसी से रिलेटेड, वो कौन रेगुलेट कर रहा है, फार्मेसी एक्ट रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। हम फार्मासिस्ट कहला रहे हैं, किसने बताया कि हाँ हम फार्मासिस्ट बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, किसने बनाया, ये फार्मेसी एक्ट के अंडर में आ रहा है ये सब कुछ, ठीक है। ड्रग इंस्पेक्टर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ड्रग इंस्पेक्टर का काम क्या क्या है, कौन बता रहा है, फार्मेसी एक्ट बता रहा है। तो पूरे फार्मेसी को गवर्न कौन कर रहा है, फार्मेसी एक्ट गवर्न कर रहा है, ठीक है। फार्मेसी प्रोफेशन में सबसे ऊपर कौन बैठा है, फार्मेसी एक्ट बैठा है, फार्मेसी एक्ट ही सारे रूल्स वगैरह रेगुलेशंस बना रहा है फार्मेसी से रिलेटेड, ठीक है बच्चे। डिप्लोमा यहाँ तक क्लियर है आपको, डिप्लोमा, यस मैम, ठीक है। अब क्या होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सपोज हमारा कॉलेज है, मैं अकेली तो कॉलेज नहीं बना सकती, ठीक है, हम 10 बंदे मिलके बनाएंगे। हम, मैं फैकल्टी हूँ, कोई डायरेक्टर है, ठीक है, कोई लैब असिस्टेंट है, कोई पियोन है, कोई कुछ है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन सबने मिलके बनाया है कॉलेज को, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे ही फार्मेसी एक्ट जो होता है, इसका रेगुलेशन जो चलता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट बंदे होते हैं, किसी का काम कुछ होता है, किसी का काम कुछ होता है, समझ रहे हो। सब अलग अलग वर्क करते हैं और सब अलग बना, सब एक साथ मिलके फिर क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, मतलब इसको बनाते हैं, इसका निर्माण करते हैं, अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहें, ठीक है। तो क्या होता है, फार्मेसी एक्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फार्मेसी के अलग अलग मेंबर बनाते हैं, ठीक। और फार्मेसी एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूटेड होता है, कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है, ठीक है। हमारा सेंट्रल कहाँ है, यहाँ पे हम उत्तराखंड में है, तो देहरादून में है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, ठीक है। यूपी का लखनऊ में हो रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूट करती है, वो अपने रेगुलेशन बनाती है, ठीक है। ऐसे होता है फार्मेसी एक्ट, जो जिसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है हर 5 साल बाद उसमें चेंज करते हैं हम, हर 5 साल बाद। ये क्वेश्चन भी आया था अभी लास्ट टाइम, अभी ये पेपर हुआ है जो आपके सीनियर्स के, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटेड होता है ये एवरी 5 ईयर्स। तो इसमें लिखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI, PCI, PCI मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। द फर्स्ट PCI फार्मेसी एक्ट आ गया 1948 में, ठीक है। लॉज बने, रूल्स बने हैं कुछ की फार्मेसी के प्रोफेशन को ऐसे रेगुलेट करना चाहिए, तो इन्होंने ही बनाया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या होगा, एजुकेशन रेगुलेशंस होते हैं हमारे, ठीक।
कोर्स दिया है, इसलिए उन्हें जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा जिसने किया है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहला सकता है, अगर उसने अप्रेंटिस वगैरह पूरी की है सही तरीके से, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, उसके थ्रू उसने अपने पढ़ाई की है, तो वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहला सकता है। ठीक है, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो था कब बना था, ये बना था 1949 में। ठीक है, तो इसमें लिखो द फर्स्ट पीसीआई वाज, द फर्स्ट पीसीआई वाज, पीसीआई मतलब फार्मासिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट in 1949। ठीक है, एक साल बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बन चुका था। It is reconstituted, मतलब इसका पुनर्निर्माण कब होता है, हर 5 साल बाद होता है। इट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी फाइव ईयर्स। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, डिप्लोमा कोई डाउट यहां तक किसी को कि फार्मेसी एक्ट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव में क्या क्या प्रॉब्लम है, कुछ अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकता है, डिप्लोमा। ठीक है, ठीक है, चलो फिर कब बना फार्मेसी पीसीआई, कब बना, 1949 में बना। ठीक, इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है, एवरी 5 ईयर्स। इसको अंडरलाइन कर लेना, इम्पोर्टेंट लिख लेना, ये आता है मेरी एग्जाम में, PCI was constituted every 5 years। ठीक, अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसने क्या किया है, जैसे मैंने बताया था अलग अलग मेंबर्स होते हैं। ठीक है, कोई होता है इलेक्टेड मेंबर, कोई होता है नॉमिनेटेड मेंबर, एक होता है एक्स ऑफिसियो मेंबर। जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है ना बच्चे, वो इम्पोर्टेंट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, ये आता है एग्जाम में। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो आता है, 3 टाइप के जो इसमें मेंबर्स होते हैं, पहला है इलेक्टेड मेंबर, दूसरा है नॉमिनेटेड मेंबर जिनको हम नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, थर्ड है एक्स ऑफिसियो मेंबर, जो रिटायर मेंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्स ऑफिसियो मेंबर्स। ठीक, तो पहला लिखो इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर में क्या होता है, इलेक्ट करते हैं हम इसको, सुझाव दिए जाते हैं कि इस बंदे को हमें रखना चाहिए यहाँ पे। ठीक, जिसने फार्मेसी की प्रोफेशन में ढंग से काम किया है, और क्या है, जिसकी पर्सनालिटी पे कोई दाग वगैरह लगा हो कि हाँ ये वो ऐसे काम भी करता है, फ्रॉड काम भी करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं एज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई। ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर में 6 मेंबर्स होते हैं, पहले डालना हेडिंग डालना इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर के नीचे लिखना 6 मेंबर्स, 6 मेंबर्स कितने होते हैं इसमें, 6 मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग, 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग, 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग इलेक्टेड बोला है मैंने, इलेक्टेड जो इलेक्ट करते हैं हम, सेलेक्ट नहीं है, मैं मैसेज में टाइप कर रही हूँ, इलेक्टेड मेंबर। ठीक है,
इसमें लिखो सिक्स मेंबर्स including at which one teacher in pharmaceutical chemistry देखो इसमें सिक्स मेंबर्स होते हैं, सिक्स मेंबर्स को हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनका चुनाव करते हैं कि हमें छह बंदे छांटने हैं, तो छह बंदे कौन होने चाहिए, वो जो टीचिंग के प्रोफेशन में हो, ठीक है, टीचिंग के प्रोफेशन में हो, प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, उसने क्या क्या होगा उनके टीचिंग पर, टीचर बनने के लिए क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, फार्मेसी में, फार्माकोलॉजी में, ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना फार्मेसी के, ठीक है, तो ये होना चाहिए। सिक्स मेंबर कौन से होते हैं, जो टीचर होते हैं और उनके पास क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, कोलॉजी में, कोग्नोसी में, ठीक है, और किसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की हो, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कोई फेक यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है। और इनको इलेक्ट कौन करता है, यूजीसी जो होता है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये जो होता है यूजीसी ने अभी आपकी गाइडलाइंस बताई कि नवंबर से क्लासेस चलनी चाहिए, कौन इलेक्ट करते हैं, यूजीसी। तो इसमें लिखो आप सिक्स मेंबर्स including at least one teacher each in pharmaceutical chemistry, इसको आप फार्मा क्या बोलते हो, फार्माकोलॉजी जो होती है आपकी, फार्माकोलॉजी ऑफ एन अप्रूव्ड लिखना Indian University and these members are elected by UGC. कौन elect करता है इनको, UGC, University Grant Commission. UGC मैसेज में चेक कर लो एक बार, UGC कैपिटल में लिखना है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। सिक्स मेंबर कौन से हो गए, जो टीचर्स होते हैं जिनकी डिग्री हो। नेक्स्ट लिखो इसी में ही वन मेंबर, ठीक है, वन मेंबर इलेक्टेड बाय द MCI, एक बंदा होता है जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है PCI, एक मेंबर होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से इलेक्ट होता है वो, ठीक है,
इलेक्टेड बाय द एमसीआई, इलेक्टेड बाय द एमसीआई। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो इसमें, इलेक्टेड मेंबर में ही चल रहा है ये। थर्ड पॉइंट है वन मेंबर शैल बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। एक बंदा होता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, क्या होता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक है डिप्लोमा, वन मेंबर शैल बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक है, तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए इलेक्टेड मेंबर्स में, 8 मेंबर हो गए। टोटल कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। ठीक है, 6 हो रहे हैं टीचर्स, जिनके पास डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में, या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, फार्माकोलॉजी में, फार्माकोग्नोसी में, अप्रूव्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से। ठीक है, दूसरा कौन सा मेंबर होता है, एक मेंबर इलेक्ट करती है एमसीआई, एमसीआई मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तीसरा बंदा होता है जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है डिप्लोमा सेकेंड ईयर, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, पहला ये थे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के इलेक्टेड मेंबर, दूसरा है नॉमिनेटेड मेंबर, जिनको हम नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेशन जो होता है, नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, अब इसमें क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर्स में भी क्या होते हैं, 6 मेंबर्स, फर्स्ट पॉइंट लिखो, 6 मेंबर इलेक्टेड मेंबर में जो पहले 6 मेंबर थे वो टीचर होने चाहिए, और नॉमिनेटेड मेंबर में क्या होता है, 6 बंदे होने चाहिए, जिनमें से 4 बंदे जो होते हैं, ठीक है, जो 4 बंदे होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, उनके पास डिग्री भी हो सकती है और डिप्लोमा भी हो सकता है, लेकिन इलेक्टेड मेंबर के केस में क्या था, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कंपलसरी थी, और नॉमिनेटेड मेंबर के केस में क्या है, 6 मेंबर होते हैं जिनमें से कम 4 बंदे चलेंगे ऐसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड हो, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिग्री भी हो सकती है, डिप्लोमा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट है नॉमिनेटेड मेंबर में ए रिप्रेजेंटेटिव, मैसेज लिख रही हूँ मैं, सॉरी स्पेलिंग लिख रही हूँ, रिप्रेजेंटेटिव, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। हाँ जी बोलो, बोल, फर्स्ट पॉइंट लिखवा दो दिया, नॉमिनेटेड मेंबर में मैंने ये बताया फर्स्ट पॉइंट में कि 6 मेंबर होते हैं जो हाँ बोलो, लिखवा नहीं तुमने, चलो अच्छा लिखो, 6 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ हूम WHOM ऑफ हूम एट लीस्ट 4 members shall be a person of whom at least 4 members shall be a person
शैल बी ए पर्सन, शैल बी ए पर्सन पोजेसिंग, शैल बी ए पर्सन पोजेसिंग, पोजेसिंग मतलब पोजेस, उसके पास क्या होनी चाहिए, पोजेसिंग ए डिग्री और डिप्लोमा, ए डिग्री और डिप्लोमा, ए डिग्री और डिप्लोमा, डिग्री और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, ए डिग्री और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, ठीक है, ए डिग्री और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, यहाँ तक क्लियर है? नॉमिनेटेड मेंबर। अब सेकंड पॉइंट है अ रिप्रेजेंटेटिव, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसे कौन नॉमिनेट करता है, यूजीसी, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूजीसी, ऑफ द यूजीसी, ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूजीसी एंड ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द AICTE। मैम एक पॉइंट फिर से रिपीट करिए। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर में 6 मेंबर तो हो गए, उनमें से 4 मेंबर्स के पास क्या होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में। अब दूसरे पॉइंट में क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है यूजीसी के द्वारा, जिसे यूजीसी नॉमिनेट करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नॉमिनेट करती है, और एक रिप्रेजेंटेटिव और होता है जिसे AICTE, मैं मैसेज में लिख रही हूँ, AICTE, एक मेंबर को तो नॉमिनेट करेगी यूजीसी एंड ए रिप्रेजेंटेटिव, एंड ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द AICTE। की फुल फॉर्म क्या होती है AICTE की, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। मैम AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन की सारे के सारे यही रेगुलेट करते हैं इनको, जो सारी की सारी टेक्निकल एजुकेशन है इंडिया की, AICTE। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो इसी में, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है इसमें, वन मेंबर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वन मेंबर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वन मेंबर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। एक मेंबर होता है हर स्टेट से जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, ए मेंबर नॉमिनेटेड बाय एवरी स्टेट शैल बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, वन मेंबर नॉमिनेटेड बाय ईच या एवरी स्टेट हु शैल बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, कोई भी बंदा हो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो हर स्टेट से। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो सी, इलेक्टेड मेंबर हो गए आपके, नॉमिनेटेड मेंबर हो गए, अब थर्ड है एक्स ऑफिसियो मेंबर, मतलब जो रिटायर्ड बंदे होते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, एक्स ऑफिसियो, EX, मैसेज में टाइप कर रही हूँ मैं, एक्स ऑफिसियो मेंबर्स। इसमें पहला बन जो है, फर्स्ट पॉइंट है द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, द डायरेक्टर जनरल, जनरल जो होता है डायरेक्टर होता है कोई, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड कोई डायरेक्टर हो तो वो होता है। ठीक है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। सेकंड है द डायरेक्टर ऑफ CDL, द डायरेक्टर ऑफ
CDL मतलब सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, द डायरेक्टर ऑफ CDL, CDL कैपिटल में है ये CDL, एग्जाम में इसके फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, CDL सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, CDL। और थर्ड है द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये था कॉन्स्टिट्यूशन, क्या था ये कॉन्स्टिट्यूशन, नॉमिनेटेड इलेक्टेड मेंबर हो गए, नॉमिनेटेड मेंबर हो गए और एक्स ऑफिसियो मेंबर हो गए। एक्स ऑफिसियो मेंबर में दोबारा से रिपीट करती हूँ, पहला था द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, सेकंड है द डायरेक्टर ऑफ CDL सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, थर्ड पॉइंट है द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, डिप्लोमा, डिप्लोमा फार्मेसी एक्ट आपका कब आया था, 1948 में आया था। क्या पर्पस था इसका, फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करना, ठीक है, और फार्मेसी की प्रोफेशन में वही बंदे काम करें जो जिन्होंने फार्मेसी की पढ़ाई की हो, ठीक है, जिनको फार्मेसी के बारे में नॉलेज हो। देन था इसका कॉन्स्टिट्यूशन आया था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था, 1949 में हुआ था, और ये दोबारा से हर 5 साल बाद बदला जाता है, इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। और फिर इसका ये था कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या होता है इसमें, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, एक्स ऑफिसियो मेंबर। आज के लिए इतना ही, कोई क्वायरी हो तो पूछ लो। डिप्लोमा नोट्स प्रोवाइड, तुम कहाँ से हो उस्मान, मुजफ्फरनगर से, ठीक है, मैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के भेज देती हूँ, ठीक है, मैं भेज दूँगी मैं, ओके थैंक यू। और कोई कुछ पूछना है किसी को, और कुछ पूछना है किसी को, ठीक है बच्चे, थैंक यू।